भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। भाई एक विलन रिटर्न्स का ट्रेलर देखा मैंने। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इनको पता ही नहीं था कि इनको ट्रेलर रिलीज कब करना है। कभी 11 बजे बोलते, कभी 12 बजे बोलते, कभी 1 बजे बोलते, कभी 2, कभी 3। इनको पता ही नहीं है ट्रेलर रिलीज कब करना है। उसके बाद अचानक से मेरे सामने ये ट्रेलर आया। ये ट्रेलर देखने के बाद मैं आपको सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप जॉन अब्राहम के फैन हो, अगर आप अर्जुन कपूर के फैन हो, तारा सुतरिया के फैन हो, या फिर किसी के भी फैन हो, भाई ये वीडियो हो सकता है आपको बुरा लगेगा, तो प्लीज आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से माफी मांगता हूँ। भाई कसम से भाई, पहले मेरे को माफ कर दो, ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है मेरे को बहुत गालियां भी पड़ेगी, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अपने को सच बोलने की आदत है, ठीक है। अभी देखो यार, दूसरी चीज ये है कि भाई देखो, मतलब बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि भाई मैं मैरिड हूँ क्या हूँ ये, तो भाई इसका जवाब आपको मेरे सेकंड चैनल पर देखने को मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज यार आज जो वीडियो डाला है उसको जाके देखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस चैनल को जितना आपने प्यार दिया ना उस चैनल को भी प्यार दे, एंड दोनों चैनल को सपोर्ट करें। अभी आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, एक विलन रिटर्न्स के ट्रेलर के ऊपर। सबसे पहले तो भाई मतलब इतना बकवास ट्रेलर है ना ये, कि मैं आपको क्या बोलूं यार। मैं सुबह से इस ट्रेलर का वेट कर रहा था, बिकॉज यार रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी बहुत ही आउटस्टैंडिंग ट्रेलर होगा, ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, इससे बकवास ट्रेलर मैंने देखा ही नहीं है, मतलब देखा है मतलब बहुत ही ज्यादा बकवास। अच्छा देखो यार, ये ट्रेलर के अंदर आप देखते हो यार कितनी मिनट का ट्रेलर है, उसको छोड़ो, मेरे से झेला नहीं गया इस ट्रेलर को, आप मेरे को समझ नहीं आती है। भाई फैमिली के लायक तो मूवी आपने पहले ही नहीं छोड़ी है भाई, आप 2-3 मिनट के ट्रेलर के अंदर 1 मिनट का सेक्स दिखाओगे, पोर्न दिखाओगे, ब्लू वीडियो दिखाओगे, ये इतना सगला सेक्स दिखा दोगे तो फैमिली तो कहीं से भी आपकी मूवी आएगी नहीं। अब देखते हैं रणवे लोग कितना आते हैं, मेरा मतलब है सिंगल लोग कितने आते हैं अपनी आपकी मूवी को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज आप ट्रेलर के अंदर इतना सेक्स दिखाओगे तो मुझे नहीं लगता कि फैमिली इसको सपोर्ट करने के लिए थिएटर में जाएगी। उसके बाद एक्शन के नाम पे आप क्या दिखा रहे हो यार, वही किसी भी गाड़ियां उड़ रही है, एंड लास्ट में जोन अब्राहम शर्ट उतार रहा है, भाई ये एक्शन होता है यार, क्या एक्शन है ये। डायलॉग्स की बात करता हूं भाई, पूरी के पूरी मूवी में यार कभी जोन अब्राहम आगे बोल रहा है मैं हीरो हूं तू विलन है, कभी अर्जुन कपूर आगे बोल रहा है मैं हीरो हूं तू विलन है, लास्ट में हीरोइन भी यही आगे बोल रही है मैं हीरोइन हूं तू हीरो है। भाई ये कोई डायलॉग्स होते हैं यार, ऊपर से सॉन्ग्स भाई वही रिपीटेड वर्जन, तेरी गलिया 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 उसका नया वर्जन निकाल के चिपका दिए, भाई क्या चल रहा है ये। परफॉर्मेंस की बात करें एक मतलब कुछ लग नहीं रहा है मेरे को, इतना इंप्रेस नहीं किया किसी ने। उसके बाद एक्शन तो कहीं से भी मेरे को लगा ही नहीं भाई, बहुत देख चुके ऐसे एक्शन हम लोग। उसके बाद डायलॉग्स की बात करें, डायलॉग्स कहाँ है यार, वही घिसे पीटे पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर एक ही डायलॉग चल रहे, हीरो विलन हीरो विलन हीरो विलन हीरो विलन। और भाई मतलब 2-3 मिनट के ट्रेलर के अंदर 1 मिनट का सेक्स दिखा दिया, थोड़ा सा एक गाना दिखा दिया, उसके बाद एक्शन दिखा दिया, डायलॉग्स के नाम पे विलन हीरो कर दिया, इसको ट्रेलर बोलते हैं यार, क्या ट्रेलर है, कुछ भी नया नहीं, कुछ भी यूनिक नहीं, थोड़ा भी ऐसा नहीं लगा कि भाई मतलब कोई एक्साइटमेंट क्रिएट किया ये लोग ने, मतलब एकदम ही नल्ला ट्रेलर, एकदम ही बकवास ट्रेलर यार, इसको मूवी बोलते हैं यार। मेरे को एक मूवी याद है कि जिसका नाम है वजह तुम हो, बहुत टाइम पहले देखी थी मैंने यार, वो एक सस्पेंड मूवी थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो यार, वो मूवी का सस्पेंड यार पहले से अपन को पता रहता है, मतलब इतना कुछ खास मूवी लगी नहीं थी मेरे को यार, मतलब वो मूवी एक मैंने देखी थी जिसमें इतना भर भर के सेक्स दिया था यार, ये क्या मूवी थी। उसके बाद मेरे को लग रहा है कि इसको झेलना पड़ेगा मेरे को ऐसी मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहली बात तो यार फैमिली इसको जाके एंजॉय कर नहीं सकती है, रनवे लोग आते हैं वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, मतलब क्या मूवी बना के दिए यार, एकदम ही बकवास, मतलब मूवी सॉरी यार ट्रेलर ही इतना बकवास है तो मूवी में क्या होगा। आप सोचो ना, एक मिनट आप 3 मिनट के ट्रेलर के अंदर 1 मिनट का सेक्स दिखा रहे हो तो मूवी के अंदर कितना दिखाओगे यार, ये क्या, इसको कैसे एंजॉय करेगा इंसान, और टोटली बकवास ट्रेलर यार। गाने भी सुने वर्जन के भर रहे हो, उस पर से एक्शन भी एकदम नल्ला लग रहा है, डायलॉग्स तो कहीं से भी न्यू नहीं लग रहे, मतलब वही पुराने पूरे के पूरे डायलॉग, आपने जो एक टाइटल दिया है विलन रिटर्न्स वही चल रहा है। अर्जुन कपूर की बात करें, इतना इंप्रेस तो बंदा पहले से नहीं करता है। जोन अब्राहम की बात करें, लास्ट कितनी मूवीज फ्लॉप दी है बंदे ने, एंड अब ये मुझे लगता है अभी फ्लॉप में ही जाने वाली है, बिकॉज यार ऐसी मूवी मुझे नहीं लगता है पब्लिक आज के टाइम पे सपोर्ट करेगी यार। चलो ठीक है, एक विलन इतनी चली थी, एक विलन रिटर्न्स आ रही है, बट एटलीस्ट आप फैमिली ड्रामा बनाने की कोशिश करो ना यार, आप सस्पेंड बनाओ ठीक है, बट ये क्या मतलब इतना ये सब दिखाना जरूरी है, हेड स्टोरी 4 बना रहे थे आप लोग या एक विलन रिटर्न्स बना रहे थे, मेरे को ये समझ नहीं आया यार अभी तक क्या बनाया ये आप लोगों ने, क्योंकि यार फैमिली के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है आप लोगों ने, एंड मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ है ट्रेलर। आई एम सॉरी टू से यार, मुझे नहीं लगता ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कुछ इतना उखाड़ पाएगी, मुझे लगता है कि भाई 20-25 करोड़ का भी चंदा जमा हो गया तो बहुत होगा इन लोगों के लिए, बाकी ये मुझे कहीं से भी नहीं लगता ये मूवी इतनी खास कुछ करेगी। ऊपर से विक्रांत रोना के साथ आप क्लेस कर रहे हो, जो कि एक जबरदस्त एक एडवेंचर मूवी होगी, एंड वो मूवी फैमिली फैमिली के लिए होगी, फैमिली उसको देखने जाना पहले पसंद करेगी कंपेयर टू एक विलन रिटर्न्स। ये तो आज मैं आपको क्लियर कह देता हूँ यार, ये भाई
ट्रेलर से मेरे को उम्मीदें खत्म हो चुकी है इस मूवी की, कसम से बोल रहा हूँ। टोटली डिसअपॉइंटेड, टोटली बकवास, स्टोरी वाइज भी मुझे बकवास लग रहा है। क्या यार, मतलब वन साइडेड लवर की हत्या कर रहे हैं यार, कौन हत्या कर रहा है इसको ढूंढने में ही मतलब यार पूरी की पूरी मूवी निकालोगे क्या आप लोग? मतलब हर एक चीज बकवास, बकवास ही बकवास, मतलब टोटली बकवास ट्रेलर, बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ यार। एनीवेज, आप लोग को ट्रेलर हो सकता है अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे को गालियां दे सकते हो, या फिर मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अपने सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, लव यू।